अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। प्यारे वैस कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फ़ज़लो करम से। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये जो साथ में आप पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल बात सच है, और इसी तरह पाकिस्तान और यूनान के दरमियान जो है ना वो माहदा तय होने जा रहा है। काफ़ी भाइयों के कमेंट्स भी आ रहे थे और मेरे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं थी यूनान के बारे में, और इसलिए जो है ना मैं यूनान के वीज़े पर जो है ना वो कोई भी वीडियो नहीं बना रहा था। लोगों ने जो है ना, हम खुद यूनान के जो है ना इस टाइम वीज़े इतने ज़्यादा रिजेक्ट होने की वजह से वीडियोस बनाना भी छोड़ दी, क्योंकि लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि भाई वीज़े लग नहीं रहे, तो आप कह रहे हैं वीज़े लगते हैं। भाई बिल्कुल वीज़े जब लगते हैं तो हम बताते हैं आप लोगों को कि वीज़े लगते हैं, और जब वीज़े नहीं लगते तब भी मैं आपको बताता हूँ कि वीज़े नहीं लगते हैं। क्योंकि ये लाजमी नहीं होता कि मैं आपको जो ख़बर दूँ या जो मतलब आपको इंफॉर्मेशन दूँ उसमें वो कोई गलत नहीं हो सकता, मैं भी गलत हो सकता हूँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है वही मैं आप लोगों को दे देता हूं। अभी ये आपके साथ जो मैंने ये तहरीर शेयर की है, तो प्लीज़ आपने इसको ध्यान से पढ़ भी लेना है। पाकिस्तान और यूनान के याद दरमियान जो मुआहदा तय हो रहा है, उसमें ये होगा कि जितने भी लोग यहां से अभी जाना चाहते हैं या जा रहे हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वीज़े के तौर पर वीज़े जो है ना वो बिल्कुल फ्राहम किया जाए, क्योंकि लोग जो है ना दोबारा डंकी का जो है ना वो रुख करना स्टार्ट कर गए हैं। यूनान के काफ़ी लोगों ने मतलब पैसे पहले दिए हैं, पैसे देने के बाद में उसको उनको जो है ना एक साल के बाद पता चला है कि भाई आपका वीज़ा नहीं लग रहा, तो फिर वो जो है ना परेशान होकर वो डंकियाँ लगाना स्टार्ट करते हैं। भाई यहाँ से भूखे मरने से बेहतर है आप हम वहाँ पर निकल जाते हैं, चलो कुछ ना कुछ जो है ना वो बेहतरी हमारे लिए होगी। तो इसलिए जो है ना वो यूनान और पाकिस्तान के दरमियान ये छोटा सा माहदा उन्होंने तय किया है कि भाई बिल्कुल हम जो है ना लोगों को वीज़े देंगे। और इस टाइम जो कोटा आपको मैंने बताया था, वो कोटा इंडिया से लोग काफ़ी अच्छे खासे जो है ना वो लोग उन्होंने मंगवा लिए हैं और मंगवा भी रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो है ना वो अभी टाइम बना है, और अभी उन्होंने वो जो है ना यूनान के साथ माहदा तय करने की कोशिश की है और उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की है कि प्लीज़ हमें जो है ना कुछ लोगों को इस तरह वर्क परमिट दिए जाए, लोग जाए कि अपना जो है ना अच्छा मुस्तकबिल बनाएं। तो उनने उसके आगे जो है ना वो क्या सूरत हाल है ये भी आपके साथ इंशाल्लाह साथ साथ शेयर करता रहूँगा। तो कोशिश किया करें आप जो है ना वो वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें। जैसा कि मैंने कल वीडियोज़ में जो है ना मैंने आपको बताया था कि वीज़ा इशू के बारे में, और नीचे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई प्लीज़ आप जिस दिन वीडियो बनाते हैं उस दिन का भी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दे दिया करें, ताकि उस दिन पता चल सके कि आज की क्या सूरत हाल है। तो भाई पहले नंबर पे तो बात यह है कि मेरा टाइम इस टाइम लगता है कि मैं जो है ना वो वीडियो सुबह सुबह जो बना के, उसके बाद मैंने अपना शॉप का भी काम करना होता है, अपने और मामला देखने होते हैं, इसलिए जो है ना मैं सेकेंड टाइम जो है ना वीडियो नहीं बना सकता। कोशिश मेरी ये होती है मेरी वीडियो जो है ना वो फर्स्ट टाइम बना के एडिट करके जो है ना वो आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कर दूँ। जो लोग कहते हैं कि वीडियो जो है ना वो सेकंड टाइम जो है ना बननी चाहिए, तो वो माजरे के साथ मैं वीडियो जो है ना सेकंड टाइम नहीं बना सकता। आप सबका बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है ना वो यूनान और पाकिस्तान के दरमियान जो है ना वो अच्छे तलाकात का जो है ना वो दोबारा से शुरू हो रहे हैं। तो जितने भी मेरे बहन भाई को जाने की कोशिश कर रहे हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं, वो कोशिश करें कि थोड़ा सा वेट कर लें। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वाकई कोई माहदा तय हो गया है, क्या लोग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं या स्टार्ट हो गए हैं। जिस टाइम आपका वीज़ा रेशू, बेशक आप तुर्की, यूनान, रोमानिया, जहाँ भी आप देख लें, जिस टाइम वीज़ा रेशू अच्छी होती है ना, आप लोग भी कोशिश उस टाइम किया करें कि हम जो है ना वीज़ा उस टाइम भी जो है ना वो अप्लाई करें। जब आप पहले जो है ना वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, जो वीज़ा रेशू जो है जिस टाइम गंदी होती है उस टाइम आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद जो है ना वो आप नीचे आके कमेंट जो है ना करना स्टार्ट करते थे, भाई आपने ये कहा था तो वीज़े लग नहीं रहे। तो बिल्कुल इसी तरह जो है ना कोशिश करें कि वीज़े जो है ना वो जिस टाइम लगना स्टार्ट हो, अभी यूनान के दरमियान इंशाल्लाह माहदा जब तैसे ही तय पाएगा वो वीडियो आपके साथ जो है ना वो शेयर करेंगे, तो आपने उसी टाइम जो है ना वो वीज़ा लगाना या वीज़ा जो है ना अप्लाई करना आपने फ़ौरन से स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये छोटी सी खबर थी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है, तो प्लीज़ आपने इस वीडियो को खूब प्यार देना और इसी तरह मेरी वीडियोज़ को मुकम्मल देखते रहेगा। और जो भी आप कमेंट के नीचे जो है सवाल पूछते हैं वो आपको लाजमी जवाब देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।